हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। हम विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, क्या कारण है हम उपवास तो करते हैं, हमारे जीवन दुख तकलीफ रहता है, समस्या रहती है, तंगी गरीबी परेशानी लड़ाई झगड़ा मारपीट रहता है, इतना दुख कष्ट क्यों है, हम उपवास भी रहते हैं दुख उठाते हैं, परंतु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हमारी शुद्धि नहीं लेता है। आप रोते ही रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आपके घर में रोना भिलखना चिल्लाना उठा रहता है, आखिर क्या कारण है, किस वजह से जो है ना हम परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, उपवास भी रहते हैं, दुख भी उठाते हैं, भूखे मरते हैं, फिर भी यीशु मसीह हमारी शुद्धि नहीं लेता, क्या कारण है। तो इस वीडियो में हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपका मसीह जीवन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय के 3 वचन से लेकर 11 12 वचन तक पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु हमने दुख उठाया, परंतु तुमने कुछ ध्यान न दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा तुम उपवास आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर से नहीं सुनाई देगी। देखिए, उपवास के दिन हम लड़ाई करते हैं, मारपीट झगड़ा करते हैं, गाली पकते हैं मुझसे, और उपवास के दिन भी यही सब करते रहते हैं तो परमेश्वर इसी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वह शांति का राजकुमार परमेश्वर हमारा, ठीक है मेरे प्रियजनों। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से यीशु मसीह प्रसन्न होता है, अर्थात जिससे मन स्वयं को दीन करे, कि आप ऐसा करते अपने आप को दीन करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं अपना हृदय कठोर करके रखे हैं, आपके अंदर प्रेम नहीं है, क्या तुम इस प्रकार करते हो, क्या इस सिर को झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना राख फैलाने को ही तुम उपवास और युवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है हम सभी से कलीसिया के लोगों से, क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उन्हें छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हम सभी को अन्याय से बिगड़े हुए लोगों को सुधारना है, ठीक है, उनकी सुधि लेना, सहायता करना, मदद करना है। क्या हुआ यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छिपाना। मेरे प्रिय अपने परमेश्वर का वचन हम सभी से साफ कहता है, ये जो लोग भूखे फुटपाथ पे सोते हैं, नंगे उघाड़े घूम रहे, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें कपड़े पहनाना है, उनकी सहायता मदद करना है। मेरे प्रियजनों, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तब तेरा प्रकाश को फटने की नहीं चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। कब जब तू ये सब बातें करेगा, मैं लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, उपवास के दिन है ना एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना है, ठीक है, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, ठीक है, हमें मन फिराना है, विश्वास करना है यीशु मसीह पर, ठीक है, वही उद्धार का मार्ग है। यदि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे तो यीशु मसीह हमारे दुखों को दूर करेगा, ठीक है। यीशु ने कहा है कि उसकी भेड़शाला उसके राज्य में प्रवेश करने का सही तरीका द्वार में प्रवेश करने के द्वारा है, लेकिन उसने कहा कि कुछ ऐसे भी होंगे जो दूसरी तरफ से चढ़ आएंगे। यूहन्ना 10 का 1 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं बाइबल से प्रूफ। मनुष्य के उद्धार के लिए जो मार्ग परमेश्वर ने ठहराया है और भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा है, यही एकमात्र मार्ग है। परमेश्वर ऐसे किसी मनुष्य को कभी स्वीकार नहीं करता है जो किसी और तरह से चढ़ने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने वाले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मन फिराव का प्रचार किया था, कहा था मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सिर्फ यह एक तरीका था जिसके द्वारा इजरायली प्रजा यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार की जाती थी। हमारे लिए भी इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, मन फिराओ और विश्वास करो, पश्चाताप करो। आजकल के ज्यादातर मसीही भाई बहन सोचते हैं मैंने विश्वास कर लिया है ना, अपना मन फिरा लिया है, परंतु उनके चाल चलन सुन के जीवन से ऐसा लगता है कि वे मसीही नहीं, उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, अपना मन ऊपरी ही तरीके से फिराया है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। आगे परमेश्वर वचन क्या कहता है, आपके विचार में इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी पहली वजह यही है कि उन्होंने अपना मन सही तरीके से नहीं फिराया है। यह सही है कि उन्होंने मसीह में विश्वास किया है, लेकिन उन्होंने मन फिराए बिना ही विश्वास कर लिया है। इस वजह से उनका हृदय परिवर्तन एक सतह पर हुआ, मतलब उनका जो मन है, विवेक है, उनका जो विश्वास है, सिर्फ ऊपरी दिखावा है, वे दिखावा करते हैं। एक स्तुति गीत शब्दों पर ध्यान दीजिएगा,
जिस पल सबसे घिनौने पापी ने सच्चा विश्वास किया उसी पल यीशु मसीह ने उसके सारे पापों को माफ कर दिया। क्या यह बात वास्तव में सच है कि सबसे घिनौने पापी सच्चे विश्वास से क्षमा प्राप्त कर सकता है? कि यह जरूरी नहीं है कि सबसे पहले वह अपना मन फिराए? आप यह कह सकते हैं कि सच्चे विश्वास में मन फिराव भी शामिल होता है, लेकिन जब तक यह एक पापी घिनौने पापी को समझाई नहीं जाएगी तो वह इस गलत फहमी में रह सकता है, क्योंकि उसने विश्वास किया है इसलिए उसने नया जन्म पा लिया है, इस वजह से वह एक भ्रम में गलत फहमी में पड़ा रहता है। यीशु मसीह ने जिस पर वचन का प्रचार किया था, यीशु मसीह ने स्वयं कहा था मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आशा करते छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के इसे आप सभी को जय मसीह की गुड लक।